नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज एक ब्रेकिंग न्यूज है, उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा शिक्षा आयोग ने एक रिजल्ट जारी किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट जारी किया है, उर्दू विषय का रिजल्ट जारी किया, जिसका अभी हाल ही में इंटरव्यू हुआ है। तो दोस्तों उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक रिजल्ट जारी किया हुआ है और इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उन लोगों की लिस्ट में आपको दिखाता हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है। नावेद अहमद खान को प्रथम स्थान पाने के लिए बहुत बहुत बधाई। आइए दोस्तों देख लेते हैं नावेद अहमद खान के साथ और बाकी किन लोगों का इस परीक्षा में चयन हुआ है। दोस्तों ये देखिए, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन ने रिजल्ट जारी कर दिया है, चयन परिणाम जारी किया है। और इस चयन परिणाम में आप देख सकते हैं कि किन लोगों का चयन हुआ है। तो इसमें 11 लोगों का चयन हुआ उर्दू विषय के लिए। सामान्य के 9 लोग हैं, जिसमें से 4 महिलाएं हैं, एक अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, एक अनुसूचित जाति के हैं। और इनको योग्यता क्रम में इनका नाम दिया गया है। नावेद अहमद खान का नाम सबसे ऊपर है। इन्होंने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। जनरल कैटेगरी के मेल छात्र हैं ये। उसके बाद इश्तियाक अहमद है, मोहम्मद कलाम है, रियाज अनवर है, इमामुद्दीन खान है, तस्लीम फातिमा है, यस्मीन फातिमा है। इसके बाद सायरा खातून है, जेबा फारूकी है, इरफान अहमद है और लास्ट में सूर्य प्रकाश राव है। तो ये 11 लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू की पोस्ट पर। इसके साथ साथ नियमावली 2014 के तहत दो अन्य लोगों की लिस्ट भी जारी की गई है, वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। जनरल कैटेगरी के लिए जुबैर आलम के और एयाज अहमद की, ये दो लोगों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट जारी किए गए हैं, इनका इंटरव्यू अभी हुआ है और इनका इंटरव्यू बीच में रुक भी गया था, क्योंकि ओबीसी के जो कमीशन है, पिछड़ा वर्ग के लिए जो कमीशन है, वहाँ पे कुछ कंप्लेन की गई थी। तो इंटरव्यू रुक गया था और बीच में फिर इंटरव्यू शुरू हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित तमाम खबरें मैंने अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर दी हैं। आज ये रिजल्ट की खबर देते हुए अत्यंत प्रशंसा हो रही है। दोस्तों इस तरह की खबरें हमारे चैनल पे आपको मिलती रहती हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की कोई भी खबर आपकी मिस ना हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।